अपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले के कोर्ट में होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया था। मोदी बाबू आसछेन ওনার ये माने सभा আছে আজকে ওখানেই যাচ্ছি। আমরা যে মহিলারা যে মানে ইয়েতে পড়েছি আমাদের মান বাঁচানোর জন্য ওনার কাছে যাচ্ছি। আবেদন থাকবে যে আমাদের পাশে থাকুক, আমাদের সুরক্ষা করুক। আমরা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি। ওনার কাছে কি দাবি রাখবেন? আমরা দাবি রাখবো যে আমরা যেন শান্তি বজায় রেখে ভোটটা দিতে পারি। আর এই সুগাজরা সাজান আমরা নরেন্দ্র মোদী বারাসাতে নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে যাচ্ছি। আমরা চাইছি যে আমাদের যে শান্তি চলে গেছে, শান্তি চাই, আমরা নিজেরা ভোট দিতে চাই, আমাদের এই কবছর ভোট দিতে দেয়নি। স্বদেশ খালি পর কেন্দ্র বনা মমতা সরকার কে বিচ তকরার কি স্থিতি হ্যায়। सीआईडी के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले के तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो चुका है। तो सीआईडी पर लगाया कोर्ट की अवमानना करने का आरोप। यह मामला अब केंद्र बनाम पश्चिम बंगाल की सरकार हो चुका है और यहां पे कई संवैधानिक जो पहलू है वो भी सामने नजर आ रहे हैं। एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि आज पश्चिम बंगाल में ही पीएम मोदी है बारासात पहुंच रहे हैं। संदेश खाली दूर नहीं है। संदेश खाली की महिलाएं कहती हैं कि हम तो पीएम का इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे आशिका का रुख करती हूं। आशिका, एक तरफ शाहजहां शेख को लेकर अभी भी ममता सरकार का प्रेम कम नहीं हो रहा है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं और आज पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंच भी चुके हैं। वहां की महिलाएं कहती है कि हमें इंतजार है, हम चाहते हैं कि पीएम हमारी सुरक्षा करे। हम संदेश खाली की महिलाएं बारासात की सभा में भी जाएंगी। देखिए, बिल्कुल संदेश खाली की महिलाएं निकली जरूर थी, लेकिन पीएम की सुरक्षा की वजह से उनको एयरपोर्ट के पास रोक दिया गया है, फिलहाल ये जानकारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शेख शाहजहां का जो मुद्दा है आज, उसे लेकर के ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप जो है वो लगाया है। कल कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4:30 के भीतर जो शेख शाहजहां को सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया सीआईडी ने, जिसे लेकर के अब ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और आज इसे लेकर के संभव है कि हाई कोर्ट से फिर जो है वो फटकार लगे सीआईडी की टीम को और ये कहा जाए कि वो शेख शाहजहां को आज हस्तांतरित किया जाए। अब देखते हैं, कल जो है हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला, 2 घंटे तक इंतजार किए जो सीबीआई के अधिकारी गए थे, 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन शेख शाहजहां के बिना ही वापस उनको लौटना पड़ा। रीमा, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जब हम आशिका फोकस करते हैं और वो सियासी पन्ने पलटते हैं तो यही ध्यान आता है कि ममता हमेशा महिलाओं के मुद्दे को आगे रखती हैं, लेकिन आज शाहजहां शेख से इतना प्रेम क्यों कि महिलाओं की आवाज, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ सब भूल चुकी है और सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है उसको बचाने के लिए। देखिए, सवाल इसको लेकर के उठना लाजमी है, क्योंकि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई भी तो कोई सामान्य तौर पर नहीं हुई थी। 55 दिन तक वो गायब था, ईडी पर हमले के बाद भी मास्टरमाइंड माना जाता था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पुलिस के तो हाथ बंधे हैं जुडिशरी की वजह से, और कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया कि नहीं, हमने कोई रोक नहीं लगाई है गिरफ्तारी पर। उसके बाद जा करके 55 दिन के बाद शेख शाहजहां गिरफ्तार होता है और अपने ही इलाके में, अपने घर के बिल्कुल 20-25 किलोमीटर दूर गिरफ्तार होता है। तो इसे लेकर के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब भी कल कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सीआईडी ने काफी देर तक रो बिठाए रखा सीबीआई के अधिकारियों को, लेकिन उनको सौंपा नहीं शेख शाहजहां को। आज इस मामले में क्या होता है ये देखना अहम रहेगा। रीमा, तो बारासात से हमारी सहयोगी आशिका सिंह की लगातार रिपोर्ट, वहां से आप देख रहे हैं पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले जो संदेश खाली की महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार यातनाएं झेली हैं, वो एक सुर में यही आवाज दे रही हैं कि हर हाल में पीएम हमारी सुरक्षा करे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, किसके लिए? शाहजहां शेख के लिए। वो शाहजहां शेख जिस पे सनसनीखेज आरोप लगे हैं, आरोप ऐसा कि कहा ये जा रहा है कि हम
हर हाल में शाहजहां शेख को बचा के रहेंगे, यही ममता सरकार का अभी तक का जो रुख है वो सामने नजर आ रहा है। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पुलिस कस्टडी में जिस हेकड़ी के साथ, जिस अकड़ के साथ शाहजहां शेख आया था, उससे ही पूरी कहानी बयां हो गई थी। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। कल ही आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए थे, और इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है, तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने यहां इनकार कर दिया है। तो देखिए, यहां पर शाहजहां शेख को बचाने के लिए किस तरीके से ममता सरकार लगी हुई है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, अब जो है सीबीआई को सीआईडी की तरफ से जो है सौंपा नहीं जा रहा शाहजहां शेख को। लेकिन इससे पहले कल शाम कोलकाता में क्या कुछ हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, और शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने पहुंची सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। बिल्कुल, और सीआईडी ने आरोपी को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का हवाला देकर सीआईडी ने हैंडओवर करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत यहां पर शुरू हो गई, और आज भी कहीं ना कहीं वो सियासत देखने को मिल रही है। शाहजहां को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से शेख को नहीं निकाल पाई टीएमसी। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख को 55 दिन बाद 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने जश्न मनाया था। उम्मीद थी कि अब हर गुनाह का हिसाब होगा, और इस उम्मीद को तब और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोपी को पार्टी से बेदखल कर दिया। हाईकोर्ट ने भी पहले जमानत अर्जी खारिज करके उम्मीदों को बढ़ाया, और फिर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश देकर उम्मीदों को और पंख लगा दिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सत्ता और शाहजहां की जुगलबंदी वाली कहानी बयां कर दी। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि संदेश खाली मामला और शाहजहां शेख दोनों सीबीआई को सौंप दिए जाएं। मंगलवार को ही सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। मंगलवार को ही सीबीआई आरोपी की कस्टडी के लिए पहुंच भी गई। सब कुछ फटाफट हुआ क्योंकि संदेश खाली के इंसाफ में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये देरी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि जानबूझकर जरूरी बनाई गई है। ममता सरकार की सीआईडी ने आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया, और हवाला दिया कि मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ममता सरकार पर पहले से ही शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगते रहे हैं, और इसके खिलाफ बीजेपी सड़क से सदन तक संग्राम भी करती रही है। और अब फिर बीजेपी हमलावर है, और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, एक गुनहगार को सत्ता से मिल रहे खुले संरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने भी मौन तोड़ा है। एकदम एक अपराधी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, 55 दिन तक प्रोटेक्शन ही दिया गया। भरोसा नहीं है कि सीबीआई अकेले दम पर सारे ये खूंखार जो अपराधी है इन सबको दबोच में ले पाएगी या पकड़ने पाएगी। शाहजहां शेख को मिल रही पुलिस की ममता इस कदर बेपर्दा है कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। शाहजहां को सजा दिलाने के लिए एक तरफ महिलाएं सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग राष्ट्रपति के दर तक पहुंच चुका है। साथ ही ईडी भी शाहजहां की कमर तोड़ने में जुट गई है, और उसके आर्थिक साम्राज्य की दीवारों से एक एक ईंट चुनकर बाहर निकाली जा रही है। सब कुछ साफ है, लेकिन टीएमसी अब भी उसी पुराने राग पर है। ये जो स्टेट का ये है, जो पुलिस का काम है तो स्टेट का देखने का है, वो लोग क्यों अभी रूट मार्च कर रहा है? इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब वो लोग रूट मार्च करेगा, यही तो तरीका है। मामला शीशे की तरह साफ है, और उम्मीद है कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी शाहजहां शेख को झटका मिलेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक अपराधी को जब झटका मिले और लोग ये कहें कि फलाना सरकार को झटका मिला है, तो ये न सिर्फ उस सरकार को बल्कि उसके साथ खड़े हर शख्स को शर्मसार करता है, और लोकतंत्र को तो करता ही है।
तो देखिए मोनिका, यहाँ झटका तो लगा है लेकिन इस पर ममता की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ग्राउंड जीरो भी हमें चलना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए। बिल्कुल आशिका, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है। आशिका, ये जो ममता सरकार की ममता शाहजहां शेख की शेखी पर नजर आ रही है, इसे किस तरीके से देखे, टीएमसी के लिए भारी पड़ेगा ये? देखिए बिल्कुल साफ है क्योंकि संदेश खाली को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है भाजपा ने। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज उत्तर 24 परगना में यहाँ पर जनसभा भी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो मामला है ये कोर्ट के जरिए भी फटकार संभव है कि जो राज्य सरकार है उसको मिले, क्योंकि कल और आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया राज्य सरकार ने, जहाँ से उनको राहत नहीं मिली आज ईडी पहुँची है कंटेम्प्ट के मामले में जो है हाई कोर्ट, और वहाँ से भी संभव है कि उनको आज फिर ये आदेश मिले कि शेख शाहजहाँ को उनके सुपुर्द करना, सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ेगा। फिलहाल क्या होता है ये देखने की बात है, लेकिन कल की बात करें हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा सीबीआई के अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ ही लौटे। बिल्कुल, और यहाँ सवाल यही है कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद शाहजहां शेख को सरकार आखिर इस तरीके से बचा क्यों रही है पश्चिम बंगाल में। इधर करीब पिछले 2 महीने से बंगाल से लेकर दिल्ली तक संदेश खाली और शाहजहां शेख पर लगातार सियासत हो रही है। इन 2 महीनों में क्या कुछ हुआ है और कैसे हुआ ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन 2 महीने पहले की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। और इसने शाहजहां को यहां तक पहुंचा दिया, कैसे पहुंचा दिया ये जरा देखिए। सब उसे मछली फार्म का कर्मचारी समझते थे, कुछ उसे बस का कंडक्टर समझते थे। सब्जियां बेचते हुए कई बार वो देखा गया, कुछ ने उसे ईंट भट्ठे पर काम करते भी देखा था। लेकिन एक तारीख ने उसके चेहरे पर लगे सारे पर्दों को तार तार कर दिया, वो तारीख जिसने उसे वैसा दिखाया जैसा वो था, ना कि जैसा वो दिखता था। लेकिन वो तारीख तो महज वानगी भर थी, क्योंकि उस एक तारीख के बाद हर एक तारीख उसके चेहरे पर नए नए गुनाहों की कालिख पोती दिखी। और फिर एक और तारीख आई जिसमें वो बेशर्मी के दंभ के साथ भी दिखा, बात गुनाहों के शेख शाहजहां की। जनवरी 2024 को जब ईडी ने इस अपराधी के ठिकानों पर घोटाले के आरोप में छापा डाला, तो उसे भी कहां पता था कि घोटाला करना तो उसके गुनाहों का सिर्फ पार्ट टाइम जॉब भर है। ईडी तो उसे एक टुच्चा सा बदमाश समझ कर गई थी, लेकिन उसी दिन उसके समर्थकों ने हमला करके ये बता दिया कि ईडी कितनी गलत थी। घायल ईडी टीम लौट आई और शाहजहां फरार हो गया। वैसे तो बात यहीं खत्म हो सकती थी, सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती थी, वो खुद हाजिर हो सकता था, वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता था, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो उसके गुनाहों से पर्दा उठने की बारी थी, और हुआ भी वही।